हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी विद सीए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाली गई है, उसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कितनी वैकेंसी है, किस तरह आपकी वैकेंसी कंप्लीट होगी, क्या नोटिफिकेशन, उन सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें जिससे किसी भी तरह की कोई भी जानकारी ना छूट पाए। स्टेनोग्राफर का फॉर्म फिलअप के लिए सर्वप्रथम आपको hraj.nic.in की साइट ओपन करनी है। यहाँ से राजस्थान हाई कोर्ट का होम पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट का पोर्टल है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट के पोर्टल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट में आ जाता है स्टेनोग्राफर फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड DLSA 2023, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, उसके बाद में जो इंस्ट्रक्शन है फॉर्म फिलअप के लिए वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो अपने को फॉर्म फिलअप के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपने फॉर्म का फर्स्ट टैब ओपन हो चुका है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन एक बार कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर्वप्रथम अपना नाम दर्ज करना है, फादर नेम दर्ज करना है, आपका मदर नेम दर्ज करना है, आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका DOB सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर दर्ज करना है और वेरीफाई करना है, फिर ईमेल को दर्ज करना है, फिर आपको एक यूजर नेम बनाना है और एक आपको पासवर्ड बनाना है और उस पासवर्ड को कन्फर्म कर देना है। यूजर नेम और पासवर्ड को आपको याद रखना है, जब भी आपको फॉर्म ओपन करना होता है बाद में अगर आपको सबमिट करना है, फॉर्म भर के छोड़ देते हैं तो इसकी जरूरत रहती है, तो इसको आप एक बार नोट करके रख लें। मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए आपको वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपको OTP भेज दिया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर आपके सबमिट कर देना है और एक बार मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद में अपने को आगे बढ़ना है। OTP वेरीफाइड हो चुका है, अब अपने को आगे बढ़ना है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड बनाना है। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, अब अपने को फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू करना है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं आपको यूजर आईडी भी मिल जाती है, उसके बाद में फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। जैसे आप हिंदी में इंग्लिश में करना चाहते हो आप चेक कर सकते हैं, हिंदी के लिए यहाँ पर फिल फॉर्म पर क्लिक करना है, इंग्लिश के लिए यहाँ पर करना है। आप कौन सा फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, स्टेनोग्राफी हिंदी का करना चाहते हैं या इंग्लिश का करना चाहते हैं, तो आपको जो भी है उसको यहाँ पर सबमिट कर देना है फॉर्म को। चलो इंग्लिश का भर के ट्राई करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम आ जाता है जो आपने अभी दर्ज करता था, उसके बाद में आप अनमेरिड है, मेरिड है, वो स्थिति आ जाती है। आप राजस्थान स्टेट के हैं, अन्य है तो अन्य सेलेक्ट कर सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट है तो। उसके बाद में आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, आपका एरिया सेलेक्ट करना है, TSP है या नॉन TSP है, उसके बाद में आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी बच्चों की संख्या दर्ज करनी है, अगर मेरिड है तो वो 2010 से पूर्व बच्चों की संख्या और बाद के बच्चों की संख्या और टोटल बच्चों की संख्या दर्ज कर सकता है। उसके बाद में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आपको कैटेगरी किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो आप सर्टिफिकेट दर्ज करना है। अगर आप कैटेगरी मानते कैटेगरी नंबर सर्टिफिकेट का और सर्टिफिकेट कब जारी हुआ वो डेट यहाँ पर दर्ज करनी है। स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत अगर डिसेबल पर्सन है तो यस करना, अन्यथा आपको नो करना है। यस करते हैं तो आपको यहाँ पर कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी हो। यहाँ पर आपको स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत आपने किसी भी तरह की सर्विस करते हैं तो यस करना है, अगर रक्षाकर्मी है, एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस करना, अन्यथा आप नो कर सकते हैं। अपना एड्रेस दर्ज करना है, उसके बाद में अपने को आगे बढ़ना है। एड्रेस के अंतर्गत आपको एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड दर्ज करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, ये सारी जानकारी फिलअप करनी है। यहाँ पर आपको इस तरह आपका एड्रेस है वो दर्ज कर देना है, उसके बाद में आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको 10th आपने कहाँ से की है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, बोर्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आगे बढ़ना है। आपने कब किया है 10th वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद में आपका डिवीजन या ग्रेड कौन सा है वो सेलेक्ट कर देना है, फर्स्ट ग्रेड डिवीजन है या सेकेंड डिवीजन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में अपने को सीनियर सेकेंडरी का डाटा है वो भी दर्ज करना है, सीनियर सेकेंडरी के अंतर्गत आपने सीनियर सेकेंडरी कहाँ से किया है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद में आपने कब किया है वो आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आगे बढ़ना है। फिर आपने कौन सा कंप्यूटर कोर्स किया है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में अपने को यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स आपने कब पास किया है वो सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद में अपने को आगे बढ़ना है। फिर आपकी अदर इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज करनी है, इसके अंतर्गत बताना है डू यू हैव मोर देन वन सपोज लिविंग, एक से ज़्यादा जीवन साथी के साथ में रहते हैं तो आप या यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। ये कुछ कैटेगरी है, अगर डिवोर्स है तो आपको यस करना, नहीं तो आपको नो कर देना है। और उसके बाद में आपको आर यू मेरिड फॉर पर्सन हैविंग ऑलरेडी ए वाइफ लिविंग, आप पहले से ही एक पति के साथ, पत्नी के साथ में रहते हैं तो आपको यस करना है। कुछ FIR वगैरह आपके ऊपर है तो अभी आप कर सकते हैं, उसके अलावा भी कुछ जानकारी है आप एक बार देख लें, उसके बाद में इनको ये अगर आपके कैटेगरी माता यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे कोई आपको एग्जाम से डिफर कर दिया गया है, उसके बाद में डिक्लेरेशन पे टिक करना है, आपको यहाँ पर अपना पैलेस दर्ज करना है, आप फॉर्म कहाँ से फिलअप कर रहे हैं, 10 से 25 KB के मध्य फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। जैसे अपना फोटो और सिग्नेचर आ चुका है अब अपने को यहाँ पर अपना कैप्चा दर्ज करना है, कैप्चा दर्ज करने के बाद में मेक पेमेंट पर जाना है, मेक पेमेंट में जाने के बाद में अपने को पेमेंट सक्सेस करना होगा, एक बार यहाँ पर फॉर्म ओपन आ जाएगा उस फॉर्म को एक बार रीड आउट कर दें, उसके बाद में अपने को आगे बढ़ना है। यहाँ पर अपना पेमेंट का मोड आ चुका है, आपकी फीस आ चुकी है,
और उसके बाद में ये जो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इसके संबंध में, और सीधा अपने को पेमेंट के टैब पे लेके जाएगा जिसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं नेट बैंकिंग है। उसके बाद में भी आपके पास में ऑप्शन है जो एग्रीगेटर है, जैसे कोई ईमेल के माध्यम से पढ़ना चाहे तो वैसे आप नेट बैंकिंग से अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना, बैंक सेलेक्ट कर देना, उसके बाद में पे पे क्लिक कर देना है, आगे बढ़ना है। आपको डायरेक्ट नेट बैंकिंग पे लेके जाएगा जो आपने बैंक सेलेक्ट किया है जिसकी आपके पास में नेट बैंकिंग सुविधा है। यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल के आप अपना पेमेंट है जो कंप्लीट करवा सकते हैं। इस तरह आपका फॉर्म है जो कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। ये वैकेंसी आप देख सकते हैं जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत आपको इसके वेतन के अंतर्गत प्रतिष्ठा काल में 23,700 पे वेतन पे फिट किया जाएगा L10 पे। यहाँ पर आपके वेतन श्रृंखला आप देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत आप देख सकते हैं आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, 12th कंप्लीट होना जरूरी है। उसके बाद में आपको हिंदी लैंग्वेज का, देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा आपका कंप्यूटर का कोर्स होना जरूरी है। यहाँ पर फीस क्राइटेरिया दिया गया है जिसके अंदर जो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हैं उनके लिए 700 रुपये हैं, और जो ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए 550 है। एसटी, एससी और दिव्यांग फिजिकल डिसेबिलिटी है उनके लिए 450 रुपये का फीस शुल्क है। यहाँ पर आपको परीक्षा का पैटर्न मिल जाता है, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। भर्ती संबंधी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर्म संबंधी किसी भी तरह की समस्या है तो आपको यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर मिल जाते हैं, उसके आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।